वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैं नूतन दत्त और मेरे चैनल पर आप पाएंगे डिलीशियस और इजी टू फॉलो रेसिपीज। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी मुंह में पानी ला देने वाला मटन करी, जिसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। मेरे घर में यह रेसिपी हम अक्सर संडे लंच में बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आज यहाँ 1 किलो मटन लिया है और इसमें मिक्स्ड पीसेस हैं, चाप है, रान है, कलेजी है। मैंने मटन को अच्छे से साफ करके धो लिया है, लेकिन नॉनवेज आइटम को मैं एक बार और विनेगर के साथ धोती हूँ, इसलिए एक बोल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। इसमें 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ विनेगर, जो नॉर्मल विनेगर हम लोग घर में यूज करते हैं वही विनेगर है। मटन के पीसेस को बोल में डालकर अच्छे से धो लेंगे, इसे अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो एक बार और फ्रेश वाटर से धो भी सकते हैं। विनेगर से धो लेने से कोई भी फाउल स्मेल हो तो वह निकल जाती है और खाते समय कोई भी फाउल स्मेल नहीं आती है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने 10 से 12 कलियां ली हैं लहसुन की और 1.5 इंच लिया है अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च डालेंगे, 1 छोटा सा प्याज काट कर डालेंगे। यह प्याज डालना ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ हम इस तरीके से प्याज डालेंगे तो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनती है। और अगर आप रेडीमेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसे कितना डालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इन्हें हम मिक्सी में पीस लेंगे और इसे हम एक कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं। तो करीब करीब 4.5 टेबल स्पून हमारा पेस्ट तैयार हुआ है। 200 ग्राम मतलब 1 कप मैंने ताज़ी गाढ़ी दही ली है और इसे हम बहुत अच्छे से फेंट लेंगे और फिर फेंट कर इसे रख लेंगे। सबसे पहले हमें मटन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके बनाने से मटन काफ़ी अच्छा सॉफ्ट बनता है, इसलिए साफ़ किए हुए मटन में मैं डाल रही हूँ करीब 1 छोटा चम्मच नमक। यह आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, तीखी वाली लाल मिर्च 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर या मीट मसाला पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था उसे भी यहाँ डाल देंगे। अगर आप रेडीमेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो 3 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट यहाँ ऐड करें और साथ ही इसमें डालेंगे दही जिसे हमने फेंट कर रखा था। 1 बड़ा चम्मच डालूंगी सरसों का तेल। कोई भी नॉनवेज रेसिपी सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिलाएंगे ताकि सारे मटन के पीसेस में सारे मसाले अच्छे से लग जाएं। और बहुत अच्छे से मिलाकर इसे हम कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम 1 घंटा इसे हमें मैरिनेट करना है, लेकिन अगर आपके पास समय ज़्यादा हो तो आप इसे ज़्यादा समय के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप इसे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। इतना प्रिपरेशन आपको पहले ही कर लेना है और आपका 50% मटन करी बन गया। आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने इसे सिर्फ 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। 1 घंटे बाद इसे खोल कर देखते हैं तो मटन मैरिनेट हो चुका है और अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता 2, दालचीनी 1, जावित्री 1 ब्लेड, छोटी इलायची 4, लौंग 4, फूल चक्री 1, बड़ी इलायची 1। खड़े मसाले डालने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर हमें मिलता है, लेकिन अगर आपके पास कोई 1-2 चीज़ ना हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब एक बड़ी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप तेल। आप चाहें तो सरसों का तेल लें, आप चाहें तो कोई दूसरा भी तेल ले सकते हैं, या आप चाहें तो 1/2 तेल और 1/2 घी मिलाकर भी ले सकते हैं। और इसमें हम सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे और थोड़ा पकने देंगे। आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, और मेरे प्रेशर कुकर में मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं कढ़ाई में ही शुरू वाला फ्राई करने वाला पार्ट बना के दिखा रही हूँ और बाद में इसे हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन आप चाहें तो यह फ्राई करने वाले पार्ट का काम भी आप प्रेशर कुकर में डायरेक्ट कर सकते हैं और फिर उसी प्रेशर कुकर में आगे इसे हम प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। तो अब इस तेल में हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भी जब थोड़ा पक जाए तब इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक स्लाइस करके। प्याज वजन से करीब 350 ग्राम है और प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइस किया है, ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है। प्याज को हम बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इंडियन करी बनाने में आप हमेशा ध्यान रखिए कि हर चीज़ को हमें थोड़ा थोड़ा पकाने के बाद ही उसमें दूसरी चीज़ को ऐड करना चाहिए, सारी चीज़ हम एक साथ ऐड नहीं करते हैं। तो प्याज को हम धीरे धीरे भूनेंगे जब तक प्याज थोड़ा नरम और ट्रांसलूसेंट सा ना हो जाए। प्याज अब अच्छे से भून चुके हैं और इसे भूनने में हमें करीब 7 से 8 मिनट का समय लगा।
काश्मीरी लाल मिर्च का कलर सबसे अच्छा तेल में ही आता है, इसलिए हम प्याज को एक किनारे करके थोड़ा सा तेल अलग कर लेते हैं और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1.5 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च को हम प्याज के साथ करीब 30-40 सेकंड तक और भूनेंगे। बहुत ही बढ़िया सुर्ख सा लाल कलर आ गया है। अब हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट। अगर आपने मैरिनेशन के समय रेडीमेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया हो तो यहाँ आप 2 हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद इसे हम करीब 1.5 से 2 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट के डाल देंगे। टमाटर डालने से कलर काफ़ी अच्छा आता है और टमाटर को भी हम इन मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। टमाटर डालने के बाद ही हम डालते हैं थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर पूरी तरह से ना गल जाए और इसमें हमें करीब 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और बीच बीच में हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। अब यह मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ, टमाटर प्याज काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं और साथ ही किनारे किनारे भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारा तेल भी रिलीज हो चुका है। मसालों का स्वाद सबसे अच्छा तभी आता है जब किनारे किनारे इस तरीके से तेल रिलीज हो जाए और मसाले अच्छे से भुन जाए। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से सूखे मसाले, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, तीखी लाल मिर्च 1/2 छोटा चम्मच, यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और सूखे मसालों को भी हम प्याज टमाटर के मसालों के साथ 2-3 मिनट तक और भूनेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और मसालों की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम मैरिनेट किए हुए मटन को उसके सारे लिक्विड के साथ डाल देंगे। मटन को भी हम इन मसालों के साथ अच्छे से थोड़ी देर और भूनेंगे। गैस का फ्लेम अब हम थोड़ा बढ़ा देंगे। चलाते हुए इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका पानी काफ़ी ना सूख जाए। मटन भी काफ़ी पानी रिलीज करता है तो सारे पानी को हमें करीब करीब सुखा लेना है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप बंगाली स्टाइल मटन करी बना रहे हो तो यहाँ आलू डालना बहुत ज़रूरी है। बंगाली मटन करी आलू के बिना अधूरी होती है। मैं भी कुछ आलू के पीसेस डाल रही हूँ जिसे भी हम इन मसालों के साथ थोड़ा भूनेंगे। पंजाबी स्टाइल मटन करी में आलू नहीं डाला जाता है पर वहाँ इस समय कसूरी मेथी डालना होता है। अगर आप पंजाबी स्टाइल मटन करी बना रहे हो तो 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी भून कर हाथों से रगड़कर यहाँ ऐड कर दीजिए। ज़रूरत हो तो गैस का फ्लेम कम भी कर सकते हैं। और अब हमारा मटन भी काफ़ी अच्छे से मसालों के साथ भून चुका है तो इसे अब हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में ही फ्राई करें तो यहाँ आपको सिर्फ पानी ऐड करना है। तो पहले हम इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी हमें गर्म पानी डालना है। 1 कप पानी मुझे और डालना है लेकिन इस पानी को मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और कढ़ाई को अच्छे से साफ करके उस पानी को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे ताकि सारा जो मसाला कढ़ाई में लगा है वह प्रेशर कुकर में चला जाए। 1/2 कप पानी और डालूँगी, इसे भी हम पहले कढ़ाई में डालेंगे और फिर कढ़ाई को साफ करके उस पानी को भी हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। टोटल हमने 2.5 कप पानी डाला है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और हाई फ्लेम पर 1 मिनट आने देंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम कम करके 15 मिनट तक और कुक होने देंगे। फ्लेम कम करने के बाद मटन करीब 12 से 15 मिनट के अंदर कुक हो जाता है। मैंने आज इसे 15 मिनट कुक किया है और प्रेशर कुकर को हम अपने आप ठंडा होने देते हैं। जब यह अच्छे से ठंडा हो जाए तब खोल कर देखेंगे। तो हमारे मटन बहुत ही अच्छे से बन चुके हैं। प्रेशर कुकर खोलने के बाद अगर आपको लगे कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा है और आप कम करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा हाई फ्लेम पर सुखा लें, और अगर आपको लगे कि ग्रेवी बहुत कम है आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ऊपर से हम हरी धनिया की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। इस मटन करी को आप चावल या रोटी दोनों के साथ ही बहुत अच्छे से इंजॉय करके खा सकते हैं। मटन बहुत ही अच्छे से गले हैं और इसका टेस्ट लाजवाब है। तो आप भी इस मटन करी की रेसिपी को ज़रूर बनाना और एंजॉय करना। मैं फिर लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।